हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर ट्यूटर्स मार्च 2021 रिलेटेड करंट अफेयर्स सो गाइस दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स लाइक यूपीएससी एमपीपीएससी एसआई एसएससी रेलवे सीजीएल सी रेलवे एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक दिस वीडियो and also share this video with your friends and loved ones now let us be talk about 15 march 2021 current affairs so today's first question is asma essential services maintenance act mein, ki hai. so which state has extended the period of the six month in the essential services maintenance act हमें याद रखना है ए एस एम ए का फुल फॉर्म है सो आंसर इज राजस्थान राजस्थान ने छह माह की अवधि बढ़ा दी है ए एस एम ए में इंपॉर्टेंट है याद रखना है बात राजस्थान की तो हमें राजधानी के बारे में भी याद रखना है जयपुर है नाउ क्वेश्चन नंबर टू एन एन एस एन आई टी के किस स्टूडेंट ने कॉन्टेक्ट लेंस सैनिटाइजेशन बैग विकसित किया है सो विच स्टूडेंट ऑफ एम एन आई टी

किस देश के मुख्य कोच जोआ किम लो ने यूरो कप टूर्नामेंट के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है सो so, लो हेड कोच ऑफ टीम हिज रेजिग्नेशन आफ्टर यूरो कप टूर्नामेंट सो आंसर इज जर्मनी इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है जर्मनी नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव बारह मार्च को भारत ने किस देश के साथ क्वाट लीडर्स समिट के में हिस्सा बना है सो विथ विच कंट्री इंडिया पार्टिसिपेट इन द्वार लीडर्स समिट ऑन मार्च सो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया जापान एंड अमेरिका इंपॉर्टेंट याद रखना है ऑस्ट्रेलिया जापान एंड अमेरिका अब बात क्वार लीडर की थी तो चार लीडर होना चाहिए चार देश के लीडर होना चाहिए एक तो खुद इंडिया हो गया दूसरा ऑस्ट्रेलिया तीसरा जापान एंड फोर्थ इज अमेरिका इंपॉर्टेंट है याद रखना है नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स किस राज्य की जनजाति विरासत की गाथाओं पर आधारित बांगी बुकलेट प्रोग्राम शुरू किया गया है सो so, बांगी बुकलेट प्रोग्राम की बात है सो दिस इज बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ द ट्राइबल हेरिटेज ऑफ स्टेट तो हमें पता होना चाहिए सबसे ज्यादा बांगी बुकलेट प्रोग्राम जो है जनजातियों की बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जनजाति विभिन्न प्रकार की मिलेगी तो विभिन्न प्रकार की जनजाति होने की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश को बैनिंगी बुकलेट में हिस्सा दिया गया है और उसे सम्मानित किया गया है सो so, इसी शुरुआत के साथ हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन लॉन्च पुस्तक अ वर्ल्ड मैप फॉर इंटरप्रेनर के लेखक कौन है सो हु इज द ऑफ ऑफ मैप सो हमें पता होना चाहिए कि उद्योग में किस तरीके से इंटरप्रेनर या उद्योगपति जो भी हैं वो कैसे अपने बुक्स अलग अलग तरीके से लॉन्च करते हैं जैसे जितेंद्र गुप्ता जी इंपॉर्टेंट है याद रखना है नौ क्वेश्चन नंबर एट किस मध्य अमेरिका देश ने खुद को मलेरिया मुक्त घोषित किया है सो विच सेंट्रल अमेरिकन कंट्री डिक्लेयर इट सेल्फ मलेरिया फ्री पहला हमें याद रखना है कि मलेरिया फ्री कंट्री घोषित की गई है तो सेंट्रल अमेरिका जो है वो डिक्लेयर एज अट्सल्फ ऑफ दी मलेरिया फ्री सो इट्स आंसर इज अल सलवाडोर इंपॉर्टेंट है याद रखना है अल सल्वाडोर ये सेंट्रल अमेरिका के अंदर आएगा इसे मलेरिया फ्री कर दिया गया यह एक जगह का नाम है प्लेस का नाम है नाउ क्वेश्चन नंबर किस देश में स्थित ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है सो विच स्टेट इन द ऑफ इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि जिस तरीके की ज्वालामुखी अलग अलग जगह पे फटती है उस तरीके के, के उनके नाम हो जाते हैं जैसे इंडोनेशिया में फटा ज्वालामुखी तो हमने उसका नाम रख दिया सिनाबुंग ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है याद रखना है इंडोनेशिया में फटा नाउ क्वेश्चन नंबर टेन किस राज्य ने यूएन वुमेन के साथ मिलकर टेक फेस्ट शुरू किया है सो स्टार्टेड विद द यूएन वुमेन की बात हो रही है मतलब यूनाइटेड नेशन वुमेन की बात हो रही है तो इसके लिए नियुक्त किया गया पंजाब की वुमेन को अब बात पंजाब की तो हमें राजधानी भी पता होनी चाहिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहा गया है सो वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर इनोग्रेशन बात फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर की है तो इंपॉर्टेंट है याद रखना है उड़ीसा में स्टार्ट किया गया बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा का कैपिटल जहां भुवनेश्वर में स्टार्ट किया गया है यह भी इंपॉर्टेंट है नौ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व किस राज्य की राज्यपाल को टॉप ट्वेंटी ग्लोबल विमेन ऑफ ए एक्सीलेंस टू सम्मान से सम्मानित किया जाएगा सो गवर्नर ऑफ विच स्टेट वॉज एवॉर्डेडी याद रखना तेलंगाना जो है यहाँ की गवर्नमेंट को वुमेन्स एक्सीलेंस 2021 का ऑनर घोषित किया गया है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन किसने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का उद्घाटन किया है सो हु द ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल सो आंसर इज नरेंद्र मोदी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे ग्लोबल फेस्टिवल जो से related, से related, से related, जो आयुर्वेदा 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 से 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 रिलेटेड 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 स्ट्रीम मेडिकल कॉलेज नए नए इनोग्रेट किए हैं तो हमें वन वर्ड आंसर याद ही रखना है कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है नौ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन किसे धौलपुर की पुलिस उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है अब बात धौलपुर की पुलिस का है तो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के किसे किया गया तो हमें याद रखना वसुंधरा जी को किया गया एजेंसी so, के द्वारा हमें परसेंटेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2021 के बारे में पता होना चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग ग्यारह प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है यह भी इंपॉर्टेंट है याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सुपर छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है सो इन विच स्टेट सुपर सेवनटी फाइव स्कॉलरशिप स्कीम वॉज लॉन्च ऑन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे अब बात इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हमें याद रखना है कि सुपर सेवनटी फाइव स्कॉलरशिप दी गई है सिर्फ महिलाओं के लिए होगा क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे है अब हमें याद रखना कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे कहा किसे तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया है अब जम्मू कश्मीर एक स्वशासित देश बन गया तो हमें याद रखना है कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर इज श्रीनगर नाउ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन भारतीय पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यू एफ ओपन सुपर थ्री हंड्रेड में विमेन सिंगल का पदक जीता है सो so, कौन सा पदक जीता है यह भी हमें याद रखना है तो आंसर है सिल्वर पोस्ट जीती इन्होंने सिल्वर पदक जीता है नाउ क्वेश्चन नंबर एटीन किस किस संगठन ने ए आई गेम कार्यक्रम शुरू किया है, है ना क्वेश्चन किस देश की सरकार ने अपना राष्ट्रीय एप पोर्टल लॉन्च किया है सो विच कंट्री गवर्नमेंट लॉन्च इट्स नेशनल एप पोर्टल याद रखना है बांग्लादेश ने नेशनल ने 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 एप पोर्टल लॉन्च किया है नाव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी किसे न्यूट्रिशन ब्रांड

जियो पॉलिटिक्स ऑफ एसिस अब बात न्यू सिल्क रोड की है जो चाइना इंडिया और जियो पॉलिटिक्स एसिस के अंदर आता है तो इसके लेखक कौन है ये बुक हमें याद रखना है इसके लेखक है भी हम डिस्कस कर चुके हैं केक शुक नाग के बारे में बिकॉज इन्होंने और भी बुक्स लिखी है तो हमें आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और इस वीडियो को पॉज करके आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर टू टू किस राज्य में स्थित सिमली पाल टाइगर रिजर्व अगेन सिमली पाल टाइगर रिजर्व हमें देखना है कि यहां इसमें भीषण आग लगी तो यह कहा है स्थित है सो so, सिमली पाल टाइगर रिजर्व हमें पता होना चाहिए ये टाइगर रिजर्व सेंचुरी है अब टाइगर रिजर्वेशन के लिए है ओडिशा में रखा गया है याद रखना है कैपिटल ऑफ उड़ीसा हमने पहले भी देखा था भुवनेश्वर नाउ क्वेश्चन नंबर टू थ्री राजस्थान जूडो संघ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है सो हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द राजस्थान इन द जूडो यूनियन सो आंसर इज हरिश्चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है नाउ क्वेश्चन नंबर टू फोर किस देश में तेजाबुर की ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है सो इन विच कंट्री दार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द ग्रेनाइट वॉज बिल्ड ऑन दी लाइन ऑफ द तेजावर सो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया नाउ क्वेश्चन नंबर टू फाइव महिलाओं को पूर्ण सम्मान अधिकार देने की सूची में भारत किस स्थान पर है सो इन दिस्ट ऑफ द गिविंग इक्वल राइट टू दुमन वर्क प्लेस सो आंसर इज एक सौ तेईस में स्थान पर है इंडिया हमें याद रखना है सो गाइज लेट एस वी टॉक अबाउट से रिलेटेड करेंगे बारी-बारी से. से so किस राज्य के किसान सुशील अग्रवाल ने 850 की मोटर सोलकार का निर्माण किया है सो फार्मर सुशील अग्रवाल ऑफ विच स्टेट बिल्ड अ सोलर कार विथ दी एट फिफ्टी वॉट मोटर सो आंसर इज उड़ीसा इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है और हमें ये भी याद रखना कि आ, आजकल बायोगैस से भी कार मूव कर रहे हैं जापान के अंदर और अगर सोलह कार की बात आए तो उड़ीसा याद रखना है एट फिफ्टी वॉट मोटर होती है सुशील अग्रवाल ने किया है यह एक किसान है और यह एक रहवासी भी है उड़ीसा के जिन्होंने ये स्टार्टअप किया है बात उड़ीसा की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर नाउ क्वेश्चन नंबर टू विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया यह भी इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है।, right है, है।, है तो थीम ऑफ दी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे टू थाउजेंड टू वन सो थीम इज टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन हमें याद रखना है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर अमेरिका क्या नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया सो आंसर इज मैरिक गार्डलैंड को नियुक्त किया गया है हमें याद रखना है नए प्रेसिडेंट भी नियुक्त करे गए हैं अमेरिका के वो भी याद रखना है नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ किसने एक बिलियन डॉलर में बिग बास्केट का अधिकार जो है अधिग्रहण किया गया है सो हु वॉज अपॉइंटेड और एक्वायर्ड अ बिग बास्टेट फॉर दी वन बिलियन डॉलर सो आंसर इस टाटा सन्स ने किया है इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है टाटा सन्स नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है सो गवर्नमेंट अलाउड एन इन इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर वाई वर्ड परसेंटेज सो आंसर इज सेवेंटी याद रखना है इंपॉर्टेंट है नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन कौन सा शहर भारत की ईवी राजधानी बनेगा सो विच सिटी विल बिकम कैपिटल ऑफ इंडिया सो आंसर इज डेली अगेन इंपोर्टेंट है नाउ क्वेश्चन नंबर एट लॉन्च पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर हमें याद रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर के लेखक कौन है सो राजीव मल्होत्रा जी हैं इंपॉर्टेंट है, है याद रखना है नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल के चौथे संस्थान को किसने संबोधित किया है सो हु एड्रेस द द फोर्थ ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है फिशा आयुर्वेदिक की बात आई है ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल की बात आ, आई है तो हमें याद रखना है नरेंद्र मोदी जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि आयुर्वेदिक से रिलेटेड जितने भी इनोग्रेटेड हुए हैं वो सारे नरेंद्र मोदी जी के छत्र में हुए हैं नाउ क्वेश्चन नंबर टेन

से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया गया है सो जापान एंड विच कंट्री स्टार्टेड द प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द ब्राउन कोल सो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया हमें याद रखना है इंपॉर्टेंट है बात है जापान कोल की हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ जापान इज टोकियो नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लक्ष्मण पाई कहा नाइनटी वर्ष की आयु में निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध कौन थे सो वेयर डिड लक्ष्मण पाई डाइड एट द एज ऑफ द 95 फाइव इट वॉज ही फेमस सो आंसर इज पेंटर वह एक चित्रकार थे इंपॉर्टेंट है याद रखना है 13, WHO ने किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है सो डब्ल्यू एच ओ अप्रूव इमरजेंसी यूज ऑफ अ सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन ऑफ विच अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी सो आंसर इज जॉनसन एंड जॉनसन हमें याद रखना है इंडिया की दो सिरम इंस्टीट्यूट कंपनी और एक बैक सी इन्हें दो जगह मंजूरी दी गई है लेकिन हमें ऑस्ट्रेलिया की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को भी मंजूरी दी गई है तीन कंपनियां जो है वो कोविड नाइन्टीन वैक्सीन पे काम कर रही है अभी हमें याद रखना है जो अभी बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत ज्यादा एडवांस वर्क कर रही है याद रखना में कोवैक्सिन और कोविक्सिन एंड जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया गया अगेन ये से, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल सो आंसर इज बेंगलुरु इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है बेंगलुरु नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पीएम मोदी किस देश के आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे अगेन पीएम मोदी विल गो ऑन ऑफिशियल विजिट कंट्री सो हमें बांग्लादेश जाएंगे नाउ क्वेश्चन निर्देशक के रूप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक सो आंसर इज इमरान अमीन सिद्दकी अगेन आई रिपीट इमरान अमीन सिद्दीकी इम्पोर्टेंट है हमें याद रखना है ना क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन किस राज्य ने जागरूकता संचार वाहन पहल की शुरुआत की है सो विच स्टेट लॉन्च दी अवेयरनेस कम्युनिकेशन व्हीकल इनिशिएटिव्स। सो आंसर इज राजस्थान इंपॉर्टेंट याद रखना है बात राजस्थान की तो कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर नाउ क्वेश्चन नंबर एटीन निन्यानवे प्रतिशत ट्रेनों का समय पर संचालन करने में के मामले में दूसरे स्थान पर कौन रहा है सो हु स्टूड टू सेकेंड इन टर्म्स ऑफ दाइनटी नाइन परसेंट ऑफ दिंस रनिंग टाइम सो आंसर इज अजमेर बात अजमेर की तो हमें पता होना चाहिए अजमेर एक सिटी है चूंकि ये राजस्थान में स्थित है तो इसका कैपिटल भी जयपुर होगा नाउ क्वेश्चन नंबर किसने राजधानी बाल दो हजार बीस जीता है सो हु राजस्थानी चिल्ड्रन लिटरेटिव अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी सो आंसर इज डॉक्टर मंगत बादल जीते हैं हमें याद रखना है इंपॉर्टेंट है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आई एस आर ओ इसरो ने तथस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए किस नाम के रॉकेट को लॉन्च किया है सो so, इसरो लॉन्च अ रॉकेट बाय बीच नेम टू तो स्टडी न्यूट्रल विंग्स इन द प्लाज्मा डायनामिक्स सो आंसर इज आर एच फाइव सिक्स जीरो इंपॉर्टेंट है रॉकेट का नाम हमें याद रखना है आर एच फाइव सिक्स जीरो बात इसरो की है तो हमें पता होना चाहिए इसरो का फुल फॉर्म इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाउ क्वेश्चन नंबर पाकिस्तान में रवाल पिंडी के आर एल स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है सो so, रवाल पिंडी के आर एल स्टेडियम इन पाकिस्तान वॉज रीन एमड आफ्टर विच प्लेयर सो आंसर इज शोहेब अख्तर इंपोर्टेंट हमें याद रखना है शोहेब अख्तर के नाम पर रख दिया है नाम चेंज करके रवाल पिंडी का

गोपाल बागले श्रीलंका इंपॉर्टेंट तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ श्रीलंका सो कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज श्री श्रीवर्धनम कोटे इंपॉर्टेंट है याद रखना है हमें नाउ क्वेश्चन नंबर टू फाइव टू फोर आई एन एस जलाशय ने किस देश में ए?

परियोजना शुरू की है सो इन विच ओशियन डिट दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द दिनोग्राफी स्टार्ट द जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट सो आंसर इज इंडियन ओशियन और हिंद महासागर ने शुरू की है हमें याद रखना है इम्पोर्टेंट है नाउ क्वेश्चन नंबर अंतरराष्ट्रीय टी ट्वेंटी क्रिकेट में तीन हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं सो हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर द्री थाउजेंड रन इन द इंटरनेशनल टी ट्वेंटी क्रिकेट सो आंसर इज विराट कोहली नाउ क्वेश्चन नंबर किस राज्य ने पिछले दस वर्षों में सड़क किनारे बसाये सभी धार्मिक स्थानों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं सो विच स्टेट रोड इन लास्ट सो आंसर इज उत्तर प्रदेश याद रखना हमें उत्तर प्रदेश ने की है तो कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ एंड द सीएम ऑफ द उत्तर प्रदेश इज मिस्टर जोगी नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री वन किस राज्य में वनवासी समागम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाग लिया है so, सो इन इन स्टेट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद पार्टिसिपेटेड समागम सो आंसर इज उत्तर प्रेश, उत्तर प्रदेश प्रदेश में भी सोनभद्र में पार्टिसिपेट किया राष्ट्रपति जी ने नाव क्वेश्चन नंबर थ्री टू ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाइड करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है सो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स 2021 सो आंसर इज भवानी देवी इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है भवानी देवी नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री किस देश के मुख्यवाज मार्विन हेगलर का निधन हुआ है सो मार्विन हेगलर इज बॉक्सर। सो विच कंट्री डाइट सो आंसर इज अमेरिका अमेरिका से थे मार्विन हेगलर यह एक मुख्य थे नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री फोर किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है अब अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट की बात है तो स्टार्ट कहाँ की गई होगी कॉमन सेंस है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर किस राज्य में के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है सो इन विच स्टेट डाइट डिड दी डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ डब्ल्यू एच ओ सो आंसर इज बिहार इम्पोर्टेंट हमें याद रखना बिहार की कैपिटल पटना है नौ क्वेश्चन नंबर थ्री सिक्स मनरेगा के तहत रोजगार देने वाले मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर मनरेगा सो आंसर इज छत्तीसगढ़ अब बात छत्तीसगढ़ की तो हमें कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ और राजधानी इज नया रायपुर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री सेवन किस राज्य में स्थानीय लोगों के लिए पिछहत्तर प्रतिशत नौकरिया आरक्षित करने की मंजूरी दी गई है सो इंग्लिश स्टेट टू रिजर्व सेवेंटी फाइव परसेंट जॉब फॉर आंसर इज झारखंड बात झारखंड की तो हमें पता होना चाहिए। ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया 2021 का किताब किसने जीता जी 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 है सो हु वॉन the ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ इंडिया टू थाउजेंड टू वन सो आंसर इज मिताली घोष इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है मिताली घोष के बारे में अब बात सोलह मार्च की है तो 16 मार्च हमें याद रखना है नेशनल वैक्सीनेशन डे था और 15 मार्च हमें याद रखना है नेशनल कंज्यूमर डे था इंपॉर्टेंट दोनों की थीम भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट में नंबर्स ऑफ द डेज और नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज डे पूछे जाते हैं तो हमें सभी याद रखना है हम नेशनल वैक्सीनेशन डे में पोलियो को जो है प्रायोरिटी देते हैं आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा सो so प्लीज इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो so आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो so आप हमसे फेसबुक इंस्टा ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं सो अवर कॉन्टेक्ट नंबर इज नाइन फोर टू फोर फाइव सेवन जीरो नाइन सेवन नाइन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो योर सपोर्ट इज अवर पावर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद